सो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीत शिक्षा हिंदी पे। दैट्स मी शिवम कुमार, वेलकम टू माय चैनल। तो जी नमस्कार, मैं हूँ शिवम कुमार और आप सभी का स्वागत है संगीत शिक्षा हिंदी चैनल पर। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा तृतीय वर्ष थर्ड ईयर का प्रयाग संगीत समिति संगीत गायन का सिलेबस, साथ ही साथ तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या आप प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या एग्जामिनर पूछेगा, किस तरह से पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में साझा करूंगा, शेयर करूंगा, ओके। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि प्रैक्टिकल कब होंगे, ओके। सो दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग ये है, ये बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता जा रहा है क्लासेस का, वैसे वैसे प्रैक्टिकल का लेवल भी बढ़ता जाएगा, एग्ज़ाम का लेवल भी बढ़ता जाएगा, ओके। सो इस चीज़ पर आप ध्यान दें। प्रैक्टिकल कब होगा वो तो ठीक है, वो तो जब होना होगा होगा, पर यू शुड बी वेरी प्रिपेयर्ड। आपको तैयार रहना है और हर एक चीज़ की नॉलेज आपको रखनी है, जितना हो सके, जितना आप कर सकें, जितना आप ज़्यादा ज़्यादा करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ शुरुआत करते हैं रागों के नाम से। देखिए तृतीय वर्ष थर्ड ईयर में जो राग हैं वो मैं आपको बताता हूँ, पर ये भी बोलना चाहूँगा कि पीछे के रागों को छोड़ना नहीं है, उनको निग्लेक्ट नहीं करना है, उनसे हमें अपना ध्यान नहीं हटाना है, उन पर भी ध्यान रखना है, एग्जामिनर वाइवा में पूछ सकता है, ओके। सो थर्ड ईयर की जो राग हैं, और जो भी विद्यार्थी जो भी वीडियो देख रहे हैं और जो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर की राग जाना चाहते हैं वो पीछे की वीडियो देख सकते हैं, अभी कंटिन्यूअसली डे बाय डे आ रहे हैं, ओके। सो थर्ड ईयर की राग, सबसे पहली राग है राग केदार, जिसको लोग चॉइस भी बनाते हैं। चॉइस से मतलब क्या होता है ये मैं आपको क्लियर कर दूं, चॉइस से मतलब ये है कि जिसमें आप वह राग जिसमें आप अपना बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना, ये तीनों गायन शैली एक साथ पेश कर सकें, आप अपना परफॉर्मेंस पेश कर सकें, परफॉर्मेंस दे सकें, वो चॉइस होती है। पहले एग्जामिनर आपको मौका देता है कि आप अपना परफॉर्मेंस दें, आपने क्या साल भर तैयार किया है, ओके। तो राग केदार है, हमीर है, मालकोश है, मालकोश को भी लोग चॉइस बनाते हैं। उसके बाद पटदीप, पटदीप को भी चॉइस बनाते हैं। उसके बाद तिलंग है, राग तिलंग है, तिलक कामोद है, पीलू है, आपकी जौनपुरी है, ये राग इसमें सम्मिलित हैं, ओके। तो ये राग थर्ड ईयर की हैं। और अब तालों की बात करूंगा तो ताल भी यहां ऐड हुई हैं, पर सबसे पहले मैं गायन शैली के ऊपर बात करूंगा कि क्या क्या तैयार करना है। तो पहली चीज, आपको इसमें बड़ा ख्याल के साथ आप आलाप तान भी कर रहे हैं, जो सेकंड ईयर में बड़ा ख्याल से काम चल जाएगा, अब इसमें आपको बड़े ख्याल के साथ साथ आपको आलाप तान भी करने हैं, बोल तान भी करनी है, छोटे ख्याल की आलाप तान भी रहेंगी, जो भी आप राग सेलेक्ट करते हैं, जैसे आप केदार करते हैं या मालकोश करते हैं या पटदीप करते हैं, ओके। अब दूसरी चीज़ ये है कि अब इसमें फिर उसके बाद आपको तराना भी करना है, नहीं करते हैं कोई बात नहीं, पर बड़ा ख्याल छोटा ख्याल अलापतान के साथ करना ही करना है, ध्रुपद करना है, धमार करना है, ओके। तो ध्रुपद आप सेकंड ईयर का भी गा सकते हैं, जो राग भीम पलासी में हमारे पास अवेलेबल है, आप जो जिस टीचर से सीख रहे हैं आप, वो आपके टीचर आपको बताएंगे। अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं, हमसे चाहते हैं सिलेबस, हमसे चाहते हैं कंटेंट, तो आप उसके लिए भी आप मोस्ट वेलकम है, आप हमसे ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्रैश कोर्स अवेलेबल है, आप तैयारी भी कर सकते हैं, ओके। सो जैसे कि मैं बता रहा था कि आप क्रैश कोर्स कर सकते हैं, हमारे यहाँ से प्रैक्टिकल की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं तालों की ओर, ठीक है। ताल जो है हमारी, जैसे दादरा, कहरवा, रूपक, झपताल तो इंक्लूडेड है, तीन ताल भी है, एक ताल है, अब एक ताल इंक्लूड होगी। अब खुले बोल की कुछ ताल भी ऐड होंगी, तीव्रा जैसे सात मात्रा की, सूल ताल दस मात्रा की, और चार ताल बारह मात्रा की, क्योंकि आप ध्रुपद धमार गा रहे हैं, इसीलिए धमार के लिए धमार ताल अलग है, वो फोर्थ ईयर में तो कंपलसरी है ही, पर ध्रुपद आप गा रहे हैं तो ध्रुपद में ये ताले यूज होती हैं, खुले बोल की ताल, जो मृदंग पखावज की ताले हैं, मृदंग पखावज की, ओके। सो अब उसके साथ दीपचंदी ताल भी इंक्लूड होगी और आड़ा चार ताल भी, ओके। सो इन तालों को पढ़ें, ठेके आप मुंह से याद करें, हाथों से विभाग स्वरूप लगाएं, ठीक है। बाकी अब एग्जामिनर क्या पूछता है, जैसे आपने अपनी चॉइस सुना ली, आपने बड़ा ख्याल छोटा ख्याल सुना लिया, ठीक है, थर्ड ईयर में अगर आप हैं, तो अब उसके बाद एग्जामिनर और राग पूछेगा। अब ये नहीं कि हम एक राग तैयार कर ली तो दैट्स ऑल, नो, आपको और भी राग अपने जो कोर्स की हैं, स्पेशली कोर्स की जो राग हैं वो तैयार करनी ही करनी है। जैसे और आप पटदीप करें, पटदीप राग है, जौनपुरी है, हमीर है, आप मालकोश करें, ठीक है, या आप तिलक कामोद करें, तिलंग करें, कलिंगड़ा राग भी है, सॉरी कलिंगड़ा मैं भूल गया था, कलिंगड़ा राग भी थर्ड ईयर में है, पीलू भी है, ओके। सो तिलंग और पीलू ठुमरी के भी राग हैं, तो वो लाइट म्यूजिक में चला जाता है, थोड़ा सा सेमी क्लासिकल में चला जाता है कह सकते हैं, लाइट म्यूजिक नहीं, सॉरी, ओके। सो ये पैटर्न है। और रही बात लास्ट में जाते जाते बोलना चाहूंगा कि अगर आपको प्रैक्टिकल कब होगा, ये कुछ लोगों के सवाल हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए प्रैक्टिकल का सबसे पहली चीज़ है कि प्रैक्टिकल चालू है, वो डेट वाइज अपने सेंटर के अकॉर्डिंग, सुविधा के अनुसार, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है आप सभी जानते हैं, उस सुविधा के अनुसार
जैसे जैसे सबको सुविधा हो रही है उसी हिसाब से वो प्रैक्टिकल लिए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल टाइम चल रहा है। ये जुलाई भर प्रैक्टिकल ही होंगे, उसके बाद एडमिशन ओपन होगा, न्यू एडमिशंस ओपन होंगे। ओके, दूसरी चीज़, आप अपने सेंटर पर पता करें और ऑनलाइन होगा वीडियो कॉल्स के थ्रू, अगर वो बुलाते हैं जैसे जैसे सुविधा, जैसे मैंने पहले बोला उस हिसाब से वो होगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून, स्टे सेफ, स्टे होम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ओके, और प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर फोर्थ ईयर सिलेबस। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, लव यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।